पंजाबी गायक और अदाकार गुरदास मान अपनी शानदार गायकी नूं लै के जाने जाते हैं। बेशक पिछले कुछ सालों के कंट्रोवर्सीज दे विच भी उन्हां दा नाम जुड़ गया। हाल ही गुरदास मान अपनी वाइफ मनजीत मान के नाल एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। तुसीं मारो चाल इस वीडियो ते। सर यहाँ पे मैम यहाँ पे सर यहाँ पर सामने सर यहाँ पर सर थैंक यू सो मच। बाय सर गॉड ब्लेस यू। प्यारे दोस्तों प्यार भरी सत श्री अकाल। सब तो पहला किसानों नाल जुड़े हुए नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं गुणी ज्ञानी सज्जणां नूं पंजाबी पंजाबीयत दी रूह नूं समझण वाले बुद्धिजीवियों नूं मेरे वल्लों बहुत आदर ते सत्कार मंजूर होवे। तुहाडे अंदर अपने किसानों के जोशो जनून नूं देख के इंज लगता है जिवें उद्धम सिंह करतार सिंह राजगुरु सुखदेव भगत सिंह दी रूह पंजाब दे सीने विच इनकलाब बन के तड़क रही होवे। शाबाश है ऐसी सोच दे मालकां। मेरी कोई सियासी पार्टी नहीं ना कोई जथेबंदी पर मैं हक सच दे लई लिखदा ते गाउंदा आया। यही मेरा जाति ते इखलाकी फर्ज है। इस नाचीज गुरदास मान दे पंजाबी होण दी नीयत तबीत ते शक करन वालियां नूं मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि बेशक मैनूं गालां कढ लैणा पर मेरे हथों मेरे पंजाबी होण दा हक माण सत्कार ना खोणा। यही मेरी सारी उम्र की कमाई है यही खाई है ते यही हंडाई। बस एक छोटी जी गल जो गलती नहीं सी मगर गलत बना दित्ती। किसी इंटरव्यू दे विच मैथों सवाल पूछा गया कि हिंदी भाषा नूं लैके पंजाब विच जो काटो कड़मस चल रहा है इहदे बारे तुहाडा की ख्याल है। तो मैं उसके सवाल का जवाब सहज विच देंदिआं कहा सी कि एक देश की एक भाषा तो होनी चाहिए ता जो उस देश का हर बंदा भावें किसी भी स्टेट का हो आसानी नाल अपने दिल की गल खुल के बेफिक्री नाल सांझी कर सके जो गल कर सके समझ सके और दूसरे नूं समझा सके उसनूं राष्ट्रभाषा कहिंदे ने। पर मेरी गल का यह मतलब नहीं सी कि पंजाब विचों पंजाबी खत्म कर दी जाए। पंजाबीए तुसीं आप सोचो पंजाबीए जबाने नहीं रकाने मेरे देश की लिखण ते गाउण वाला की यह गल कर सकता है। खैर कोई गल नहीं माड़े चंगे दिन हर बंदे नूं देखने पैंदे ने और इम्तिहान हर बंदे दी जिंदगी विच आउंदे ने। अपनी जिंदगी का पहला टुटिया फुटिया गीत मैं उस वेले लिखिया सी जदों पंजाब दे विच आण आई सी। आण दा मतलब टिड्डी दल आया सी। असीं छोटे छोटे बच्चे अपने प्यो ताए चाचे ते सीरियां नाल पीपे खड़का खड़का के ते रौला पाउंदे होए आण नूं उड़ा रहे सी। उस वेले उस घटना तो प्रेरित होके मेरी कलम दवात वाली कलम चो यह गीत निकलिया सी कि पीपा चक के तुरी किरसाना नरमे नूं खा गई आण वे। पीपा चक के तुरी किरसाना नरमे नूं खा गई आण वे। ते हुण दसण लगा मैं अपनी जिंदगी दी पहली परफॉर्मेंस बारे जो 9-10 साल दी उम्र विच दित्ती। जदों मेरा चाचा मैनूं मोढे ते चुक के भीड़ नूं चीरदे होए मेरे पिंड वाली मंडी दी रामलीला दी स्टेज ते मैनूं चढ़ा के स्टेज सैकटरी तों इजाजत लैके मेरे गाउण दी सिफारिश कीती ते मैनूं गाउण लई कहा ते मैं कंबदे कंबदे गाया रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पाणी वे जट्टा तेरी जून बुरी वे रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पाणी जट्टा तेरी जून बुरी। उस तो बाद जवान होए बड़े होए और गीतां दी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। उस वेले गाया जीण मेरे वतना दियां मावां कर कर जीवन पुत जवान कुड़ियां चिड़ियां धियां पैणा सभे जीवन खुशी मनाण भागां वाली धरती जीवे धरती दे मजदूर किसान अल्लाह रखे वाहिगुरू बख्शे भली करे सब दी भगवान मेरा देश मेरे दिलदारां दा ऋषियां मुनियां अवतारां दा। तुसीं हुण दसो मैं बचपन तो लैके हुण तक किसान नूं कित्थे भुल्लिया ते अज मेरे नाल किसानां दे नाल जुड़े होण दे बावजूद भी मेरे उत्ते शंके शुबा पैदा किए जा रहे। कुछ कलाकारां दी कुछ बंदियां दी मैं की दसां। मेरे नाम नूं लैके
मेरी उम्र नूं लै के हाए तो बा मची रही है, हाए मैं मर जा, अजे तक जिउंदा है नचदा है गाउंदा है। यार असीं की नचना ते गाउणा, यार नचावे तां नचदे आ। पर एक गल दसन लगा, बेशक मैं सोशल मीडिया दे उत्ते ज्यादा एक्टिव नहीं है, पर इसका मतलब नहीं है कि मैं किसानां नाल जुड़िया नहीं। एक लाइन विच कही हुई गल जे किसी दे समझ नहीं आई तो पूरी किताब लिख के भी समझ नहीं आई। गुरु नानक पातशाह जी बाणी दा जिन्हों एक ओंकार समझ नहीं आया, उन्हों गुरु ग्रंथ साहब की बाणी समझ नहीं आनी। बहुता बोलने का कोई नफा नहीं, असी नेड़ियों गल मुकामनी है, वारे शाह मियां गल ओ करिए जिहड़ी कम क्याम ते आउणी। बाकी रही किसानां दे अंदोलन की गल, सारी दुनिया नूं अन्न देण वाला अन्नदाता, अज दिन रात बेगानियां जूहां बेगानियां सड़कां, इक्को ही देश दी नाल लगदी स्टेट विचों लंघदियां पुलिस दियां मारां पाणी दियां तेज बुछारां, ते सारी रात धक्के धोड़े खा के दिल्ली दे जंतर मंत्र तक पहुंचण दी फिराक विच लगा होया किसान कि साडी गल सरकार तक पहुंचे। सट्टां फेटां खा के भी फरोख दिली दी गल देखो कि जिहड़ी पुलिस दे डंडे खा रहा है उसे पुलिस नूं नाल बिठा के रोटी खवा रहा है, ते प्रोटेस्ट भी कर रहा वह भी शांतिपूर्वक। किसी उर्दू की शायर ने कमाल लिखा कि खुद धूप में बैठा है छांव के पेड़ लगाने वाला। ते हुण रही सरकार की गल, मेरी सरकार अगे हथ बन के पुरजोर बेनती है कि जड़े किसान अपने परिवार को छड़ के अपने बच्चों को छड़ के बच्चों वांगू पालिया फसलों को छड़ के दिल्ली दी सड़कों ते दरबदर पटक रहे हैं, उन्होंने मुद्दों ते गौर किया जाए। बजुर्गों की बजुर्गी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कुछ किया जाए, उन्होंने आवाज़ ते फरियाद को सुनिया जाए। सरकार तो इंसाफ की उम्मीद रखते हुए मैं तो सिर्फ यही कहूँगा जो पहले दिन कहा, जे किसान है तो हिंदुस्तान है, जे जवान है तो भारत महान है। पंजाबी सिनेमा ते संगीत जगत दी होर लेटेस्ट अपडेट्स लई साडा फेसबुक पेज बॉलीवुड तड़का पंजाबी लाइक करो ते यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो।